सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस व सर्विस लांस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गुमटी में नाथीराम की गोली मारकर की गई हत्या का सफल खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र निरंजन निवासी ग्राम नया गांव थाना नगुट जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त सुशील कुमार ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने जमीन के लालच में अपने मामा नाथीराम की हत्या कराई थी। थाना चिलकाना के गुमटी गांव में एक बुजुर्ग किसान की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये 19 तारीख का मामला है, 19 जुलाई का। आज एक हफ्ते के बाद इस घटना का सफल खुलासा हुआ है। किसान की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो सुबह अपने घर से अपने खेत के लिए साइकिल से जा रहा था। घटनास्थल पर उसकी साइकिल मिली थी और उसकी मृत किसान मिला था। घटना का खुलासा हुआ है, उसमें उसके सगे भांजे ने उसकी हत्या की है। किसान अकेले रहता था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, माँ बाप की मृत हो चुके थे उसके माँ बाप। उसके पास करीब 50 से 55 बीघा खेत था। लालच में आके उसके भांजे ने अपने एक अन्य रिश्तेदार से मिलकर योजना बनाकर उसकी हत्या की, ताकि उसको जो मृतक है उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर रविवार को समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा है कि युवजन सभा का प्रत्येक कार्यकर्ता मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाए, ताकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। और क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि आप लोग कार्यालय में बैठे हैं, आप लोग इतना देर ध्यान दिए, इसके लिए क्षमा करना। और आप लोग समाजवादी पार्टी के लिए माने अखिलेश यादव जी के लिए सारे राग द्वेष भेदभाव सब कुछ भूल करके केवल एक बात बोल करो, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तभी ये जुल्म, ये अत्याचार, ये अपराध, ये महिलाओं के साथ हो रहे जुल्म, ये सब चीजें तभी रुक सकती है। दलित जुल्म के साथ जुल्म हो रहा है, जो जुल्म अल्पसंख्यक बिरादरी के साथ हो रहा है उनको टारगेट पर रख के जो किया जा रहा है, देख रहे हो आज उनका सर आपको किस तरह से हॉस्पिटल से उठा के लेके चले गए थे। सहारनपुर के गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने अपने दर्जनों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने उनका फूल मालाओं से पार्टी में स्वागत किया। हमारे साथी ऑल इंडिया कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नू कुमार जी के साथी पूरे प्रदेश के उनकी कमेटी ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें हर एक जनपद के उनके पदाधिकारी, हमारे ज़िले के पदाधिकारी उनके साथ आज हमारा शहर कार्यालय में हमने उनका स्वागत किया और उन्हें आज कांग्रेस परिवार में ज्वाइन करा। आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग रोज़ाना, क्योंकि वो एक आम जन की लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनसे प्रभावित होकर युवा लगातार कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सहारनपुर के जैन कॉलेज रोड स्थित उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय महासभा के कार्यालय पर रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कान सिंह राणा ने ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय समाज के लगभग 50 ग्राम प्रधानों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और समय समय पर जब भी हमारे समाज के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत के सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विद्यार्थी हो, तो हम सबको समय समय पर सम्मानित कर देता हूँ। और हमारा जो लक्ष्य है समाज को प्रोत्साहित करना, जैसे हमारे समाज की छुपी प्रतिभा, जैसे हमारे भाई रतन सिंह जी
ये बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं और फिल्म जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे छोटे भाई काफकार